क्या देख रहे हैं कि टाउन तो बन गया, मुतमईन है टाउनों से आप? आदिल भाई, पहले तो आप जिस तरह दाखिल हुए ना, मैंने कहा अल्लाह रहम करे कौन आ गए कैमरा में लेके। बहरहाल आपका आना भी अच्छा लगा। कंटिन्यू हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर आए और उस पर हमारी टीम जो है आसिफ साहब की 3 दिन से कंटिन्यू काम कर रही है रोडों पे पोलों के ऊपर। और मुझे ये भी नॉलेज है कि अभी आपने कुछ 3 से 4 दिन पहले कोई ऑपरेशन भी किया इसके ऊपर, लेकिन फिर रातों रात लग जाते हैं, ये कुछ कहानी थोड़ी समझाएंगे, कहानी है क्या? देखिए ये तो बदकिस्मती है हमारी। असल में लोगों को भी समझना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज हैं अपने बैनर्स वगैरह लगा देती हैं, आज वो रातों रात लगा देती हैं और वो ऐसे वक्त में लगाती हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाते, उसको नेक्स्ट डे जाकर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। क्या कहते हो, बिलबोर्ड्स लगे हुए कराची शहर में? गलत है, इसमें नुकसान है, गाड़ियों जो भी आ रही किसी पे गिर जाए नुकसान करेगा, ये सिर्फ पैसे लेन देन के चक्कर में ये कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी हुआ है उसको मान ही नहीं रहे? कोई नहीं मानता है, जब पैसे बना रहे हैं तो कौन मानेगा, सब खा रहे हैं। क्या ये बड़े लोगों का मानना फर्ज नहीं है? लोगों ये बिगाड़ पैदा कर कौन रहा है? अरबाब इख्तियार कहाँ कहाँ से पहाड़ों से उतर के आए हुए हैं, खेतों से आए हुए हैं, खलिहानों से आए हुए हैं, इनको क्या पता कि शहर और शहरी लाइफ है क्या? ये कितने मजबूत है या नहीं, ये आप इससे अंदाजा करें कि ये जॉइंटिंग ये लगी हुई पाइप पे, खुदा ना खासा अगर तेज हवा चल जाए या तूफानी हवा आ जाए तो कितना नुकसान देखे हुए? इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, फिल-फोर हटा दिए भी, हटा भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब जेब गर्म हुई तो फिर दोबारा लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज जो मौजू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ऐसा मौजू है जो हमारे मुल्क की, मेरे अजीज़ पाकिस्तान, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जानिब से वो अहकाम जारी किए गए थे कि बिल बोर्ड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके इन बिल बोर्ड्स को इन शहर हटाने का कहा गया, लेकिन फिर भी आज तक ये माफिया को कोई चैलेंज कर नहीं सका। शायद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी ये माफिया नहीं मानता, वरना कराची शहर में ये बिल बोर्ड्स कब के हटा दिए जाते अगर अदालत के फैसले माने जाते? क्या इंतज़ार किया जाता है इनकी जानिब से कि कोई साइक्लोन आए या कोई हवा का ऐसा रुख बदले कि ये बिल बोर्ड्स गिरें और बेचारे मासूम शहरियों को ज़ख्मी करें या फिर उन जान को ले जाएं? लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वो अहकाम क्यों नहीं माने जा रहे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आज आपको दूंगा और बताऊँगा कि कौन है इसका कसूरवार, कि उन लोगों से भी रابطہ करूं जिनके बड़े बड़े इस साइन बोर्ड्स के ऊपर लिखे हुए टूल नंबर्स के आए हमारे बोर्ड्स को इस्तेमाल करें, आखिर ये माफिया क्यों नहीं सुन रहा? प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा कहता हूं कि जवाब तो चाहिए की टीम जो दिखाती है वो सच दिखाती है, जब भी मैं हमेशा ये लफ्ज का इस्तेमाल करता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ और आगाज़ में बताऊँ इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, नाजमाबाद टाउन में। यहाँ से नाजमाबाद टाउन स्टार्ट होता है, आखिर इन तमाम पोलों पे स्टीमर्स क्यों लगे हुए हैं, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, रातों रात माफिया ये कैसे स्टीमर्स लगा देता है, और ये बिलबोर्ड जो खंभों पर आप देखते हैं ये इतना नुकसान दें कि जब 80 की स्पीड से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी आ रही होगी और अगर ये कोई गिर जाए तो यकीन जाने नुकसान होता है, और एक जान जाना मतलब पूरी इंसानियत पर बात आना। आज मैं आपको दिखाऊँगा नाजमाबाद टाउन के किस तरह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं गैरकानूनी तौर पे, अदालती फैसले आ चुके हैं फिर भी शायद उसको रद्द कर दिए जाते हैं, वो माफिया कितना बड़ा है आज मैं दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा जो एमसी नाजमाबाद है उनसे बात करें और जो एडवर्टाइजर के डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बात करें कि आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन एनओसी जारी करता है और किसकी कुछ पनाही पे ये माफिया, ये जितना बड़ा भी माफिया है एडवर्टाइजिंग माफिया, ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि नाजमाबाद टाउन की हदूद है और यहाँ पे हदूद का बिल्कुल एंड है क्योंकि बोर्ड ऑफिस आ चुका है और बोर्ड ऑफिस पर नाजमाबाद टाउन खत्म हो जाता है, आगे नॉर्थ नाजमाबाद शुरू होता है। अब हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि एमसी से भी मुलाकात करें, उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर इन इस तरह के जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं पुलों के ऊपर या साइडों में इमारतों के ऊपर इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर लगाए भी गए तो इसकी चेक इन बैलेंस क्या है, किस तरह इसको रीचेक किया जाता है, आखिर कैसे इनकी अप्रूवल्स होती हैं, क्या आपके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और क्या ये देखें ब्रिजेस के ऊपर भी आप देखें कि ये जो स्टीमर्स लगे हुए हैं ये नुकसानदेह हैं, अगर ये गिर जाएं चलती हुई बाइक अगर 80 की स्पीड पे, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो
खुदा ना खास्ता किसी भी बाइक वाले के ऊपर ये स्टीमर गिर जाए तो वो शदीद जख्मी हो सकता है, जान से भी जा सकता है। क्या हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं या फिर हम इजाज़त देते हैं लोगों को चंद पैसों के एवज के वो लगाएं और अपनी पब्लिसिटी करें, जबकि उसके कई तरीकेकार और भी हैं पब्लिसिटी के, लेकिन क्या ये सही तरीका है? अब चलते हैं एमसी के ऑफिस जहाँ लियाकताबाद टाउन में वो बैठते हैं और जो हमारे पास इत्तलात हैं तो इस वक्त एडवर्टाइजिंग के जो डायरेक्टर हैं वो भी वहीं उनके साथ ही बराबर में उनका रूम है, तो बात करेंगे उन लोगों से भी और जानेंगे कि भाई आखिर क्यों अदालती फैसलों को रद्द किया जाता है और क्यों जिम्मेदारी नहीं ली जाती इन चीज़ों की और कौन इसके पीछे है, कितना बड़ा माफिया है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। चलते हैं एमसी के ऑफिस। अच्छा जी, हम नाजमाबाद इस तरह हमने आपको दिखाया कि नाजमाबाद में किस तरह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और रोडों के ऊपर स्टीमर्स लगे हुए हैं, अब इसका जिम्मेदार कौन है? और अभी टाउन जो बैठ रहे हैं, जो एमसी बैठ रहे हैं, वो लियाकताबाद टाउन में बैठ रहे हैं, हम जा रहे हैं उनकी तरफ और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये स्टीमर्स रातों रात कैसे लग जाते, कैसे बिलबोर्ड माफिया रातों रात बोर्ड्स लगा रहा है, प्राइवेट में और पब्लिक में क्या डिफरेंस है और क्यों इस चीज़ को नहीं रोका जा रहा, आखिर क्या वजूहत है। ये टाउन का मेन गेट है, वो अंदर की तो जा रहे हैं, देखें ये चौकीदार हमें रोकते भी हैं या नहीं रोकते हैं। जी जी, एमसी साहब मौजूद हैं अंदर, एमसी नाजमाबाद फर्स्ट फ्लोर पे। जी जी, मैं देख रहा हूँ अंदर हैं। बात ये है कि अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का कहा है कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये जी, जैसे कि अभी किसी को ये नहीं पता कि एमसी साहब ऊपर हैं या नहीं, जैसे गेट पे हमने पूछा, चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं क्या एमसी साहब मौजूद हैं या नहीं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं नाजमाबाद एमसी के पास जहां पे उनका ऑफिस है और नाजमाबाद टाउन को भी ये देख रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक चीज़ बना दी गई है टाउन सिस्टम, उसमें एमसी हैं इकतदार साहब, उनसे हम बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि एक्चुअल है क्या और देखें वो हैं या नहीं। सर नाजमाबाद आप ही हैं इकतदार साहब, इकतदार साहब मुझे बताएं कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैंने आपसे बगैर कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आना मेरा मकसद यही था कि जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर काम बिलबोर्ड्स वगैरह लगे जो हुकूमती फैसले हैं उस पर क्या आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बिलबोर्ड्स वगैरह तो लगे हुए हैं। हाँ, वो कुछ हमारा काम चल रहा है उस पर। हाँ, आपका काम चल रहा है, आपने 12 दिन पहले चार्ज लिए है, आप जो भी नए टाउन्स बने उस पर आपने 12 दिन पहले चार्ज लिया है, तो आपकी कोई टीम तो होगी जो इस पर काम करेगी, क्योंकि कई हादसा हो जाते हैं इस चीज़ों पर, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया हुआ, तो क्या देख रहे हैं आपके लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मीटिंग मौजूद ही, मैं माजर चाहूँ माजर दुखा अभी क्योंकि आपकी मीटिंग में आया, मैं आसिफ साहब से बात करता हूँ, एमसी साहब आपकी इजाज़त ताकि आप भी इस पर कोऑर्डिनेट करें। आसिफ भाई सलाम अलैकुम। अच्छा, ये बताएं आसिफ भाई कि अभी जो बिलबोर्ड्स वगैरह हुकूमत ने जो भी आपके, हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किए थे कि हटाने चाहिए बिलबोर्ड्स क्योंकि खस्ता हालत में जाने चली जाती हैं, फिर हमसे मलाल कर रहे होते हैं, तो इस वक्त आप लोग के टाउन सिस्टम बना दिया गया, डिफरेंस कर दिया गया है, अब तो 5 टाउन बन गए हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं नाजमाबाद ऐसे ही है, तो क्या आपने अपनी कारकर्दगी में क्या अभी देखा है क्यों बिलबोर्ड्स लगे हुए इलाके में? देखिए, बिलबोर्ड्स तो लगेंगे और मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर जो बोर्ड साइन बोर्ड लगे हुए थे उनको उन्होंने कटेल किया है, एक ऑर्डर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के और हम उसको लेटर इन स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ वक्तों में गवर्नमेंट के की तरफ से ऑर्डर्स आते रहते हैं कि भाई फलानी जगह साइन बोर्ड लग गया है इसको निकाल दें, इलीगली अगर कोई लगता है तो उसमें हम फौरी एक्शन लेके जो उनको निकाल दिए। आपको निकालें, लेकिन एक चीज़ देखने में ये भी तो आती है ना कि अभी आपको याद होगा जो हालिया 3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ कि यहीं अंडर बाईपास में एक बोर्ड गिरने से एक बंदे की जहाँ इंसान हुआ, एक जान तो चली जाती है, इंसानियत तो यही कहती है ना कि एक जान जाना पूरी इंसानियत पे बात आना, तो इस वक्त नाजमाबाद की जो सूरत हाल है जो मेरी नज़र से मैंने जो भी फुटेज में आपको भी लैपटॉप में भी दिखाऊंगा कि रोडों पे पोलों के ऊपर, और मुझे ये भी नॉलेज है कि अभी आपने कुछ 3 से 4 दिन पहले कोई ऑपरेशन भी किया इसके ऊपर, लेकिन फिर रातों रात लग जाते हैं, ये कुछ कहानी थोड़ी समझाएं, ये कहानी है क्या? देखिए, ये तो बदकिस्मती है हमारी, असल में लोगों को भी समझना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज हैं अपने बैनर्स वगैरह लगा देती हैं, आज वो रातों रात लगा देती हैं और वो ऐसे वक्त में लगाती हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाते, उसको नेक्स्ट डे जाकर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। और जैसे आपने बात की वो अंडरपास की, लेकिन एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास ना ब्रिज पैनल्स हैं ना अंडरपासेस हैं,
उसके ऊपर लगे हुए साइन बोर्ड्स का ताल्लुक जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का था कि ये वाकयात होते हैं। मैं जानता हूं कि जितने भी पेडेस्टल ब्रिज बने हैं केएमसी के अंडर में आते हैं, उसके जितने भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगते हैं, उसका जो भी पैसे होते हैं सालाना, वो सब केएमसी के पास जाते हैं। पर जो हमारे पुलों की हालत है ना, खस्ता हजार हालत, के पुल की पाइपलाइन टूटी हुई है, पेडेस्टल के पट्टे टूटे हुए, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, लेकिन शायद आप डोमेन इसलिए नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वो आपकी डोमेन में नहीं आती। लेकिन मैं बात तो एक कहूंगा कि हम पाकिस्तानी हैं, कराची में रहते हैं, चीज़ें हमारी आंखों से तो गुजरती हैं ना। लेकिन मुझे भी बताएं, जो पोलों के जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर भी जो साइन बोर्ड्स लगे हैं बड़े बड़े, क्या उस पर भी तो NOC आप लोग ही जारी करते हैं? जी बिल्कुल, उसके ऊपर NOC जारी हम करते हैं, लेकिन अभी हमने काम शुरू नहीं किया है। अभी रिसेंटली हमने जो है अपने रेट्स जो है वो काउंसिल में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास किए हैं काउंसिल में। अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हमने कोई एक चालान भी जारी नहीं किया है, जब से टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नाजमाबाद वजूद में आया है हमने एक चालान भी जारी नहीं किया। अच्छा, अब हम जारी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने प्लस गवर्नमेंट ने, और इस वक्त कमिश्नर साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर इसको टास्क बनाकर जो वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम बिल्कुल जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आती हैं उसको हम लेटर एंड रिस्पेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक हमने कोई चालान जारी नहीं किया है, लेकिन करेंगे। हाँ, देखिए, हम इसको कहते हैं एक बिलबोर्ड माफिया है बहुत बड़ा, वो रातों रात कराची शहर में बिलबोर्ड लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है दो तरीके के, जो मैं चाहता हूँ आपसे सुनना। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। थोड़ा ये भी क्लियर हो जाए लोगों को कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तो कहा गया है रिमूव करने को, ऐसे ही है या नहीं? और दूसरा, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसको कहा गया कि रीचेक किया जाए कि क्या उनकी हालत इजहार है, उनको इजाजत दी है, लेकिन उस पर भी NOC आप लोगों की साइन होगी तो इजाजत मिलेगी उन मार्केटिंग बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग को। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जान पहचान वालों को साइन करके ओके किया जा रहा है बगैर देखे? देखिए, रजिस्टर्ड एडवर्टाइजर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उनकी बाकायदा एसोसिएशन है। इस वक्त कराची में दो एसोसिएशन काम कर रही हैं, जो सिंध आउटडोर एसोसिएशन काम कर रही है, कराची की एसोसिएशन काम कर रही है, और ये बड़े रिकग्नाइज किस्म के लोग हैं, बड़े पुराने एडवर्टाइजर्स हैं। अच्छा, जो बात आपने की प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे जो साइन बोर्ड लगे हैं उनको हमें बिल्कुल डिफरेंटली देखना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इंजीनियर्स जो हैं, रिकग्नाइज किस्म के इंजीनियर्स जो हैं, वो जो इंजीनियरिंग काउंसिल से जो रिकग्नाइज हों, उनसे परमिशन लेकर और उनको विजिट कराकर फिर पास करके, और एक हमारा इंजीनियर भी होगा, एक एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का इंजीनियर भी होगा, यानी तीन इंजीनियर्स उसको वो चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको अलाउ। आप कह रहे हैं कि जो इंजीनियर जो है एक आपकी भी टीम होगी ना, लेकिन साइन अथॉरिटी तो MC साहब ही होंगे ना जो बैठे हुए हैं। अब मेरा एक सवाल है कि मैं पहले आपको लैपटॉप इधर आई आसिफ भाई, आप भी लैपटॉप दीजिएगा प्लीज। मैं MC साहब आपको भी सर कहूँगा कि इस लैपटॉप के ऊपर देखें कि कुछ चीज़ें हमने रखी हैं आपकी, कि आपके इलाके के अंदर ऐसा बात नहीं थी कि साइन आपके चाहिए होंगे जब बिलबोर्ड्स लगेंगे, आपका इंजीनियर जाएगा वेरीफाई करेगा। सर, कोई प्रेशर आता है कोई माफिया से कि साइन कर दें बस? अभी तक तो कोई नहीं आया है, अभी साइन भी नहीं किया आपने? नहीं, कोई चालान जारी नहीं किया अभी तक हमने, कोई चालान जारी नहीं। अभी अभी आपको मैंने दिखाया भी, ये बिलबोर्ड जो है जो रिमूव हो गए, वर्किंग हमारी 3-4 दिन पुरानी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि लेटेस्ट वर्किंग में भी आपने देखा होगा। कल ही हमने कमिश्नर साहब को, मेरा सही है कि 24 घंटे पहले हमने बनाया? बिल्कुल, 2 दिन 16 तारीख को और 17 तारीख को रात को दिन को हमने ऑपरेशन किया है, जितने भी हमारे पोल्स थे उनको हमने क्लियर किया है। अच्छा, अब जो जंक बने हुए थे उनको हमें जो है वो क्लीन किया है, एरियाज को हमने क्लीन किए हैं। कमिश्नर साहब की खास हिदायत थी, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी, तो हमने कल ही रात को जो है, कल शाम को जो है वो मैंने रिपोर्ट भेजी है। डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग है इसलिए मैं कहूँगा, और MC साहब खुद मौजूद, बड़ी मुझे अच्छा भी लग रहा है कि MC साहब ने क्लियर आप पर ये चीज़ डाली कि इनसे पूछें, इन्होंने डिनाई कहीं नहीं किया। और ये चीज़ देखें, हमारा जब मकसद है, जवाब टीम का मकसद है, हम डायरेक्टली आप लोग के पास जब पहुँचते हैं तो हम प्लांटेड किसी बात को आपसे नहीं करना चाहेंगे। मुझे सिर्फ एक वर्ड मुझे बताइएगा, अगर अब कोई नाजमाबाद में वोट गिरता है इसकी जवाबदारी किसकी होगी? नहीं, यकीनन देखिए, मैंने आपको अर्ज किया ना कि उसमें तीन इंजीनियर्स जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एडवाइजिंग कंपनी की तरफ है, उसको चाहिए कि वो जगह सही जगह का तयन करे, उसकी स्ट्रेंथ के साथ उसको लगाए, जो इंजीनियर्स ने कहा है उन्हीं पैरामीटर्स को जो है वो अडॉप्ट करे, उसके ऊपर वो लगाए, तो इंशाल्लाह हादसा नहीं होंगे। अच्छा, दुनिया भर में हादसा तो होते ही हैं, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम वो काम ही करना छोड़ दें। कराची शहर में तो कुछ ज्यादा हो रहे हैं ना हादसा, आप ये देखें कि आप लोग की मौजूदगी के बावजूद भी बिलबोर्ड्स गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे। स्ट्रीमर्स हैं आपके, उसके उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? स्ट्रीमर्स तो देखें, स्ट्रीमर्स एक बड़ी लाइट से एक कपड़े की चीज होती है। अच्छा, उससे किसी को जानी कोई नुकसान नहीं।
बाइक 80 की स्पीड से आ रही है और अगर वो गिरता है एक बाइक वाले पे, बात तो वही कि इंसान छोटा हो या बड़ा हो, जानी नुकसान तो होगा जी। यकीन ये मामला जरूर है, लेकिन हम इसको इंश्योर करते हैं कि वो वायर से बंधा हुआ हो, हम उसको चेक करते हैं और उसके बाद ही उसको परमिशन देते हैं। अच्छा अब इस वक्त तो ये बात है ना कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पोल्स है, उसके ऊपर तो हम परमिशन देते ही नहीं ना, इस बात को तो क्लियर करें। ये जितने भी बोर्ड्स ये स्टीमर्स लगते हैं ये सब इलीगल हैं। और हम उनको वक्तन फवक्तन, यानी सुबह लगाते हैं हम उसको शाम को रिमूव हमें करना लाजमी होता है, रात को लगाते हैं हम सुबह आके फिर ऑपरेशन करते हैं उसको, हमारा काम यही है दिन रात का, वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टीज पे हम किसी चीज को अलाउ नहीं करते। मैं आपकी बात को बिल्कुल काफी हद तक ओन करूंगा, लेकिन एक जगह डिनाई करूंगा, रातों रात जो लोग लगा रहे हैं क्या इलाके की पुलिस सो रही है या फिर आप लोग सर्वेंट है, आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है? गवर्नमेंट जॉब जो ली जाती है वो 24/7 की होती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कराची शहर के अंदर रातों रात एक चीज लग जाती है और हमें पता ही नहीं होता? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ ना कि मैंने क्या अर्ज किया आपको कि अगर रात में लगते हैं तो हम उसको सुबह ही सुबह निकालते हैं, अगर वो सुबह लगाते हैं तो शाम को हम उनको बहुत बड़ा नुकसान। असल यहाँ तो हमें देखना ही पड़ेगा ना, लोगों को भी चाहिए, कंपनीज को भी चाहिए कि करती है। बिल्कुल करती है, अगर हम पुलिस तो गश पर होती है फिर वो कैसे लगने देती है रात? हम उनको अगर रिमूवल भी होता है, हमारा कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, उनको इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं और वैसे भी वो देखती है, उनका काम है, उनकी ड्यूटीज है और हमारी अपनी ड्यूटीज है, हम अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, वो अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे बकौल आपके कि हाँ हो जाते हैं इलीगली लगाते हैं, लेकिन कंपनीज को भी सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, खुदा का वास्ता ना लगाएं इलीगल जगहों पे वो साइन बोर्ड्स या स्टीमर्स ना लगाएं। देखिए मैं इसका आंसर कहता हूँ कि स्टीमर्स, ये एक मैसेज भी है कि स्टीमर्स ना लगाएं, क्योंकि अगर एक आपके भाई, आपका भाई भी हो सकता है, आपके वालिद भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, जिस रोड से आप गुजर रहे हैं, अगर वो स्टीमर गिर जाए आप यकीन जाने वो जो 80 की स्पीड पे बाइक होती है, जब वो स्टीमर गिरेगा तो उस जो ऊपर से ग्रेविटी नीचे चीज को लेके आती है तो उसका पर्पस दो गुना स्पीड ज्यादा होता है, तो चाहे वो लकड़ी का हो या किसी भी चीज का हो, जब वो हिट करेगा तो जानी नुकसान होगा। एमसी साहब आपके लोग काम कर रहे हैं, आसिफ के बारे में मैं कह दूं कि मुझे आई नो इट, मैंने जो दो दिन पहले फुटेज बनाई है वो उस पर उसने रिमूवल उन चीजों को किया आसिफ ने, लेकिन हो तो रहे ना सर, पुलिस को कोई लेटर लिख के भेजेंगे रातों रात वो लोग माफिया कैसे लगा के चल रहे हैं? आप म्युनिसिपल एमसी हैं, कमिश्नर भी हैं, एमसी का म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे मौजूद हैं, आप इकरार साहब, आप क्या पुलिस से इस पे कोई तावुन नहीं लेना चाहेंगे? हाँ लेना चाहेंगे, जरूर कहेंगे पुलिस को कि ये नहीं होना चाहिए, नुकसान दे, बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये सोचना पड़ेगा, देखिए काम गवर्नमेंट के सर्वेंट का ही है करना, क्योंकि जिस जॉब पर ये बैठे हैं इनका काम ही एडवर्टाइजिंग। जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो कल रिपोर्ट हमने दी है, जो कल रिमूवल की रिपोर्ट है जो कमिश्नर साहब को हमने दी है, ये देखिए। अच्छा जी, ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे में कि ये मैं पिछले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो इन्होंने कमिश्नर को जारी की है, ये रिमूवल आपने जो रिमूव कल, हाँ 16 तारीख को और 17 तारीख को जो हमने रिमूवल की और आज इसको मैं खाली सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, आज होना था। चले, तो अभी उसकी कोई अपडेट लेटेस्ट नहीं, मेरे पास नहीं अपडेट नहीं है, लेकिन हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, ये रिमूवल की आपने की जो अभी आपने वर्किंग की थी लास्ट, आप कह रहे हैं ऐसे ही। अच्छा जी, मैं स्क्रीन पर कहूंगा कि दिखाएं कि इनके जो पूरा लेटर है जो सुप्रीम कोर्ट गया है और ये वो पिक्चर्स हैं जो वर्किंग की इन्होंने की है, जैसे कि हमने अपने लैपटॉप में आपको एक वर्किंग दिखाई कि क्या चल रहा है, इसी तरह एक वर्किंग इनकी है कि जो स्ट्रीमर्स को हटाया गया है कराची के पोलों से, वो ये इनकी वर्किंग। अच्छा, ये तो बात वही है कि वर्किंग आपकी भी जा रही है और हमारी भी, जैसे हम मिसल यहाँ पर मैं कहूँगा ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप भी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आपका भी ताल्लुक है और यही मौका होता है कि जब सवाल आ जाते हैं। क्या देख रहे हैं कि टाउन तो बन गया है, मुतमईन है टाउनों से आप? अदिल भाई पहले तो आप जिस तरह दाखिल हुए ना, मैंने कहा अल्लाह रहम करे कौन आगे कैमरा में लेके, बहरहाल आपका आना भी अच्छा लगा, हमारी इस वक्त एमसी साहब के साथ जो मीटिंग चल रही थी और आसिफ साहब बैठे हुए थे, कंटिन्यू हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर आए और उस पर हमारी टीम जो है आसिफ साहब की तीन दिन से कंटिन्यू काम कर रही है, जिसके अंदर मैं एज एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर इनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है गाड़ी की तो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। असल में नया टाउन बना अभी चीज़ें प्रोवाइड पूरी नहीं है, इनके पास हमारी जो चीज़ें आलात होनी चाहिए उसके लिए बेचारे कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह भी इनकी टीम जाती है मैनुअल हैंडल से काम कर रही है, लेकिन काम हो रहा है और ये रिपोर्ट कल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गई, कमिश्नर साहब के पास भी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे एमसी साहब हैं और नाजाबाद की 7 यूनियन काउंसिल के ऊपर हमारे पास बोर्ड ऑफिसर टू लसबिला तक जो ब्रिज है इसके ऊपर ऐसे जहाँ पर जो बहुत सेंसिटिव है उसके ऊपर फौरी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप ही देख रहे हैं, आप बिल्कुल प्रोवाइड करें, पहले तो बता दूँ कि देखिए जवाब तो ये अचानक इसलिए पहुँचती है क्योंकि प्लांटेड कोई चीज़
थी। आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऑफिस में क्या कर रहे होंगे? गवर्नमेंट की ऊपर ही बात कर रहे होंगे, चीजें कर रहे होंगे जो एक्चुअल आप लोग का काम है। ये तो अच्छी चीज़ है कि आसिफ साहब ने अपनी होमवर्क पूरा इत्तफाक से फाइल रख के वो यहीं बैठे हुए थे, हकूमती फैसले का भी वो कहते ना अदालती फैसले का भी इंतजार करें, आज ही इन्होंने पिटीशन भी दायर की आप लोगों ने। तो बात ये कि जहीर भाई बात बहुत छोटी सी है कि एक्चुअल हकायक दिखाना हमारा काम, आप लोग की जो वर्किंग है ठीक है वो भी दिखाई, लेकिन जो ना अहली होती है, गलतियां होती हैं, वो भी तो आप लोगों पर ही जाती है ना, आप पे ही सहरा बनता है कि रातों रात कैसे इस चीज़ को लगा दिया जाता है। आदिल भाई बिल्कुल आपकी टीम का मैं आप शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वो चीज़ें उजागर की नाजाबाद के अंदर जो कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह अभी लैपटॉप हमें बताई हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। और ये नहीं बल्कि ऐसे इलाकों में भी जो स्टीमर जो केएमसी के अंडर में आते हैं लेकिन उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे इससे नुकसान हो सकता है, कोई जान जा सकती है, तो इसलिए उसके ऊपर हम ये नहीं देख रहे किसके डोमेन में हम काम कर रहे हैं। जान जाना पूरी इंसानियत पे बात होती है भाई, बात सिर्फ इतनी सी कि देखें इस वक्त हम मौजूद जरूर है नाजाबाद टाउन के अंदर, और बात किसी को परेशानी का अगर मुझसे सामना हो तो आप जवाब दे हैं, क्योंकि सवाल लोग करते हैं, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपको वही हकायक दिखा रहा हूँ जो हकायक हैं। यहाँ टाउन के लोग मौजूद हैं, एमसी साहब खुद मौजूद हैं, डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जहीर मौजूद है, ये एक अच्छा जेस्चर है कि इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और मैं इसी तरह कहूँगा आप मीटिंग जारी रखें, खुदा हाफिज। जैसे कि आपने गुफ्तगु सुनी एमसी साहब की और डायरेक्टर की के एडवर्टाइजिंग के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या कहना था, मैंने एक्चुअल वो हकायक थी उनको दिखाए जो नाजाबाद में बिलबोर्ड्स में आपने भी देखे, लेकिन उनका जो कहना था कि उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, ये अच्छा इकदाम है, अगर स्टार्ट कर दिया यकीन जाने एक इंसानियत को हम बचाएंगे तो हम पूरी इंसानियत को बचाएंगे। और जो प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वो हकायक आपके सामने रखे, उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना, और सच के साथ मैंने वो सारी बातें रखी और डायरेक्ट उनके ऑफिस में इसलिए पहुंचा क्योंकि हकायक दिखाना जरूरी है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो एक और डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि वहां पर क्या सुना जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। चलते हैं ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह बिलबोर्ड्स कराची शहर में लगे हुए हैं, मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है, और आप मेरे एतराब में जो इदारा आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का, ये वो इदारा है जहां पे गवर्नमेंट के वो अफसरान बैठते हैं। क्या उनमें से किसी को ये नहीं दिख रहा कि हुकूमत का जो हमारे अदालत के फैसले थे वो क्या हैं बिलबोर्ड्स के हवाले से, उस पर हम आवाम कुछ मौजूद थी जिन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या कहते हो बिलबोर्ड्स लगे हुए कराची शहर में? गलत है, इसमें नुकसान है, गाड़ियों जो भी आ रहे हैं किसी पे गिर जाए नुकसान करेगा, ये सिर्फ पैसे लेन देन के चक्कर में ये कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी हुआ है उसको मान ही नहीं रहे, कोई नहीं मानता है, जब पैसे बना रहे हैं तो कौन मानेगा, सब खा रहे हैं तो कहां से मानेंगे, ये बड़ा है। रिश्वत टाइट चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, रिश्वत टाइट चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी रोड पे लाइन से बिलबोर्ड्स लगे हुए, गलत है, पैसे है ना, पैसे मिल रहे हैं, जब कोर्ट ऑर्डर कर रहा है बंद करना चाहिए, सब खा रहे हैं तो कौन करेगा। बात बताइए क्या है कि पूरे कराची में जवाब तो ये निशानदेही करने की कोशिश, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, जनाब क्या कहते हैं बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? कहाँ नहीं लगे हुए, कहाँ नहीं लगे हुए, कहाँ नहीं लगे हुए, कहाँ नहीं लगे हुए, पूरे कराची में लगे, मैं भी प्रोग्राम में यही दिखाने की कोशिश करूँ कि कहाँ कहाँ लगे, कराची के ही मुझे लग रहे हो, बिल्कुल मैं कराची से ही हूँ, जब कराची से आप हो तो यहाँ क्या है, अंधी सरकार है, अंधी सरकार है, अंधी सरकार है। अब हकूमत देखिए, लॉ तो मेरा भी मानना फर्ज है, आपका भी मानना फर्ज है, क्या ये बड़े लोगों का मानना फर्ज नहीं है? लोगों ये बिगाड़ पैदा कर कौन रहा है? अरबाब इख्तियार कहाँ कहाँ से पहाड़ों से उतर के आए हुए हैं, खेतों से आए हुए हैं, खलियानों से आए हुए हैं, इनको क्या पता कि शहर और शहरी लाइफ है क्या, ये चलता रहेगा। अभी साइक्लोन आया था कुछ टाइम पहले, तेज हवाएं चली, उस पर उतारने का ऑर्डर जारी किया गया। इस मुल्क का कोई सलूशन नहीं है, डिवाइड एंड रूल एक दफा और आएगा, आज नहीं आएगा कुछ सालों बाद आएगा। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी, ये शहरी हैं यहाँ पे, और जिन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि डिवाइडेशन रूल
ये एक आवाम है जिनका कहना है, वो अपनी तरफ से वही वर्ड्स कहेंगे जो वो देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी ये रोड है जिसके ऊपर बिलबोर्ड्स की बेपनाह तादाद, में कहूँ तो शायद अगर गिनने पे बैठूँ तो शायद मैं गिन भी ना पाऊँ। हर पोल के ऊपर एडवर्टाइजिंग लगे हुए हैं, हर जगह पर पेडेस्टल ब्रिज के बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, हर जगह पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। तो जो बिलबोर्ड्स के लगाने वाले हैं या तो वो जाग रहे हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो सो रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो इदारा सो रहा है प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं उसको जगाने की कोशिश करूंगा। और आवाम है जो कह रही है, मैं आपको वो भी बार बार सुना रहा हूं। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के पास और जो यूनिवर्सिटी के तलबात होते हैं उनसे पूछेंगे कि उनका भी क्या कहना है। ये यूनिवर्सिटी रोड का आगाज अगर मैं कहूँ सिविक सेंटर से स्टार्ट करते हैं हम, तो पहले ही पेडिस्टल ब्रिज पर आप देखें जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कैसा बोर्ड है कि अगर कभी भी साइक्लोन वाली बात या कोई तेज हवाओं की अगर हम बात करें और ये बोर्ड गिर जाए तो ये चलते हुए रोड पर कितना नुकसानदेह होगा, ये सवाल बहुत अहम है। इसी के आगे एक और बिल बोर्ड आपको दिख रहा होगा। अब ये मैं आपको मनाजिर जो दिखा रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा कि उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो सो रहे हैं कि हम जब दिखाते हैं तो शायद आप कहते हैं कि नहीं कराची शहर में कुछ नहीं है, और तो फिर अगर बिलबोर्ड्स हटा दिए गए तो फिर ये जो बिलबोर्ड्स लगे हुए वो देखें आप, टूल लिखा हुआ है फ्री। अब सवाल ये, टूल फ्री बोर्ड्स भी मौजूद हैं और ये साइन बोर्ड जो छोटे छोटे से लगाए गए हैं बिलबोर्ड्स छोटे छोटे, अगर ये गिर जाएं तो एक जान की भी जब बात आती है, मैं बार बार हमेशा दोहराता हूँ कि एक जान का मतलब होता है पूरी इंसानियत पे बात, अगर एक इंसान की जान जाने की बात करें तो पूरी इंसानियत पे बात होती है। तो फिर वही बात है कि वो डिपार्टमेंट्स क्यों सो रहे हैं, क्या पैसा अहम है या जिंदगियां। अब सवाल फिर मैं उन पर कहूँगा कि जो अदालती फैसले आए आखिर उनको क्यों नहीं उन पर नोटिस किया जा रहा, आखिर क्यों नहीं उन पर काम किया जा रहा, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, या फिर इस चीज़ का इंतज़ार ख़ास तौर पे किया जाता है कि कोई डिज़ास्टर हो, कहीं दो चार लोग जख्मी हो या कोई ऐसी बात हो, उसके बाद जाके फिर एक नोटिफिकेशन आता है या नोटिस जारी किया जाता है कि अब इस पे कार्रवाई दोबारा की जाए, तो क्या पहले नहीं हो सकती। मेरी तमाम इदारों से दरख्वास्त है, नैब से भी दरख्वास्त है कि आखिर ये इतना बड़ा माफिया है बिल बोर्ड्स का, इतना बड़ा माफिया मार्केटिंग का, और फिर साथ साथ जो तैनात किए गए हैं गवर्नमेंट के वो लोग आखिर वो कहाँ हैं। फिर मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हैं, अब आप ये देखते जाएँ कि रोड की क्या सूरत हाल है। हर बिल्डिंग के ऊपर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, हर बिल्डिंग के साइड में आप देखें टूल फ्री के बोर्ड्स लगे हुए, ये हैं जब ही हम दिखा रहे हैं। आए मजीद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी रोड पर जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको एक खस्ता बोर्ड की हालत दिखाता हूँ कि वो देखें सामने, क्या इस बोर्ड के गिरने का इंतज़ार किया जा रहा है या फिर ये जिस दिन गिर जाएगा उसके बाद सिर्फ मलाल करेंगे, हम कहेंगे कि ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया, क्या अभी इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, या फिर क्या वो लोग ताकतवर हैं डिपार्टमेंट से ज़्यादा, या फिर अहकामात को इस कान से सुन के उस कान से उड़ाने का बिल्कुल एक फार्मूला बना दिया गया, या फिर नोटिफिकेशंस जो भी निकाले जाएं उसको धुएं में उड़ा दिए जाते हैं। अब एक सवाल फिर यहाँ अहम है कि जिम्मेदार कौन है। जी सर, मैं मौजूद हूँ उर्दू यूनिवर्सिटी के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर बिल्कुल आती है, और अगर मैं बात करूं तो ये एक पेडिस्टल ब्रिज बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ बना हुआ है। अब ये पेडिस्टल ब्रिज की सूरत हाल क्या है मैं आपको वो दिखाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस मकसद पे ये पैसे लिए जाते हैं, जो बिलबोर्ड लगाए जाते हैं, क्या ये मकसद पे लगाए भी जाते हैं या नहीं। आए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये पेडिस्टल ब्रिजों की जो हालत है कराची शहर में, सवाल ये है कि इस पे बिल बोर्ड्स तो लगा दिए गए हैं लेकिन हालत इजहार की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें कि जिस तरह के ये बनाई हुई जगह हैं, यहाँ पर शायद कुछ और लोग तो बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ मंशियात फरोश तो बैठ सकते हैं, पर शायद यहाँ से स्टूडेंट्स भी गुजरते हैं। और जो हालत पेडिस्टल ब्रिजों की है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ये दिखाऊँगा कि जो बिल बोर्ड्स लगाए गए ये कितने मजबूत है या नहीं। ये आप इससे अंदाजा करें कि ये जॉइंटिंग ये लगी हुई पाइपें, ये एक मैं कहूँगा कि आप समझे तारों से बांधा गया है, यहाँ पे ये पूरा फ्रेम है ये। अब एक सवाल है कि अगर ये कभी गिर जाए अल्लाह ना करे
तो जरा नीचे सूरत हाल देखें कि ये मेन रोड है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, कि अगर ये यहाँ से गिर जाए तो नीचे मेन ट्रैफिक चल रहा है और कितना बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए जाते हैं यहाँ, मतलब जो फ्रेम लगाए जाते हैं, आखिर उनको रोका किन चीज़ों पर जाता है। ये एक सिंगल तार जो हिल रही है, फिर ये देखें इन चीज़ों के ऊपर ये। अब एक सवाल है कि क्या अगर कोई शरारत भी यहाँ पर हो जाए तो लगाने वाले को पकड़ा जाएगा या फिर ये इंतजार किया जाएगा जिसका प्यारा चला जाएगा? क्या वो शख्स बद्दुआएं नहीं देगा, उसकी फैमिली बद्दुआएं नहीं देगी हमें? क्या हम हकायत दिखा रहे हैं तो क्या गलत है? अब आप ये देखें जॉइंट्स, ये कोई ये देखें, मैं हिला रहा हूँ, बोर्ड हिल रहा है, ये देखें, ये देखें। अब ये पूरा बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक एंड तक, ये देखें मैं इसको हिलाऊंगा बोर्ड हिलेगा। क्या इंजीनियरिंग है, जबरदस्त किस्म की इंजीनियरिंग है। यहाँ पे चेक इन बैलेंस कोई है नहीं, जिसका दिल चाहता है आता है, अपना बोर्ड लगाता है, इश्तिहार लगाता है और चला जाता है। जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट सो रहे हैं, अगर वो जाग रहे होते तो ये खस्ता हालतें नहीं होती पुलों की। लेकिन फिर अहम बात, यहाँ पे स्टूडेंट आए, स्टूडेंट से बात भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका कहना क्या है। अच्छा जी, पेडेस्टल ब्रिज के ऊपर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये पेडेस्टल ब्रिज जो लगा दिए जाते हैं, अगर ये खुदा ना खासा गिर जाए कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है KMC और गवर्नमेंट ऑफ सिंध होगी, क्योंकि वही इजाज़त देते हैं इनको लगाने की। अब ये है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी मरतबा जैसे बारिशें होती हैं, बारिशों में गिर जाते हैं अक्सर, जैसे शारा फैसल पे वाक़ हुआ था, इसी तरह खुद मन के बाहर हुआ था नाजमाबाद के बाहर। क्या मतलब, हम मैं अगर कहूँ आसान वर्डों में, होश में तब आते हैं जब ये गिर जाते हैं, नुकसान होता है? नहीं, तब भी होश में नहीं आते, उनको जो ना इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो उनको तो अपने पैसे मिल जाते हैं इसके, ये पेड ही होता है सबको पता है। तो इस पर ज़्यादा हमारी तमाम जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनसे गुजारिश है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन लिया जाए, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का एक मैसेज भी आया, इस पर नोटिफिकेशन आया था कि तमाम बिलबोर्ड्स को उतरना चाहिए, पेडेस्टल ब्रिज क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हवा थोड़ी सी भी तेज़ चले, क्योंकि समंदरी हवा चलती है, कभी साइक्लोन आ जाता है, खुदा ना खासा अगर तेज़ हवा चल जाए या तूफानी हवा आ जाए तो कितना नुकसान देखे हुए। अच्छा, इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, फिलफोर हटा भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब जेब गर्म हुई तो फिर दोबारा लग गए। और इस हवाले से नुकसान तो काफ़ी हो सकता है, जाहिर सी बात है ट्रैफिक जो है मसरूफ़ शहर है, 24 घंटे चल रहा होता है, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को इस टाइम दोबारा लेनी होगी। अदालत सुमोटो बहुत से मामलों में लेती है, इस ऐसे मामले में जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे भी इनको लाजमी लेना चाहिए। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो जो हालात हैं पेडेस्टल ब्रिजों की, क्या ये मुनासिब है? नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना ब्रिजों पे तो तकरीबन मेरे ख्याल में वो चर्सी जो होते हैं मवाली आके वो भी यहाँ बैठते हैं, गड्ढा बनाया अपना सोने का, जबकि इसके पैसे जो है इस पे ही लगने चाहिए पेडेस्टल ब्रिजों पे। आप भी मौजूद है, क्या लगता है पेडेस्टल ब्रिज वगैरह क्या कहोगे कि मुनासिब है ये सारी चीज़ें? ये मुनासिब नहीं है, ये गलत बात है, जब नुकसान आता है तब इनको होश आते हैं, एक दो जगह पे गिरे तो अभी होश आना चाहिए कि उनको नहीं लगाना चाहिए इस तरह की चीज़ें। गवर्नमेंट नोटिस लेती है पर इदारे सो रहे होते हैं, क्या लगता है इदारे क्यों सो रहे हैं? यार मेरे ख्याल में ना ये बिल्कुल गलत है। आप एक बात बता देते हूँ कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में, इस यूनिवर्सिटी में खसूसन इसमें पढ़ते जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबके के लोग पढ़ते, तो हमारे ये जो काम करने ये अपर जो है ना ये गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर उनको काम है जो ये अप्लाई करना, इनके इन चीज़ों का ख्याल रखना। अब यहाँ उनके बच्चे नहीं पढ़ते, उनको ये पता नहीं होता यहाँ पे जो मसला होते हैं, जो बच्चे मरते हैं या मुख्तलिफ एक्सीडेंट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है। बच्चे उनके भी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन एक बात एक चीज़ गलत है वो सही होनी चाहिए, और सही होने का क्या हम इंतज़ार तब करें? बात इतनी सी है कि क्या इंतज़ार किया जाए गिरने का या फिर उस वक्त का कि कोई बड़ा तूफान का हादसा बने और हम मलाल करें फिर आयादत करें कि नुकसान हो गया, क्या उस नुकसान से बचा नहीं जा सकता? मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि ये पूरा इस तरफ जाऊंगा क्योंकि लाइट का है। अब आप ये रोड देखें, ये ब्रिज है पूरा, इससे आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे टूल फ्री के कई बोर्ड आपको दिखेंगे, और मेरे सामने की तरफ भी अगर मैं बात करूँ तो इतने बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पर मैं तो दिखा रहा हूँ आज, क्या वो इदारा सो रहा है? क्या उनको नहीं मालूम कि कराची शहर में इस तरह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं? लेकिन एक अहम फिर बात यहाँ पर आती है कि इदारे सो रहे हैं। चलते एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मज़ीद आपको वो जगह दिखाऊंगा जो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हो क्या रहा है और एक्चुअली ये बिलबोर्ड माफिया कितना ताकतवर है। चलते एक ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऑफिस में, जहां पे एमसी जावेद उल रहमान साहब बैठते हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो बिल बोर्ड पुराने हो चुके हैं वो अब तक क्यों नहीं हटाए गए, क्योंकि अहकाम जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद अभी तक वो खस्ता हालत बोर्ड मौजूद हैं। और मैं फिर कहूँगा, इसका जवाब सबसे बेहतर आपके एमसी जो लगाए गए हैं, टाउन्स को तो डिस्ट्रिक्ट को तो 5 जगह डिवाइड कर दिया गया, अब जो एमसी गुलशन टाउन है हम उनसे करने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों अभी तक रिमूवल नहीं हुआ है। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं एमसी साहब के रूम में। जावेद साहब कहाँ हैं सर? पहले तो मैं वेलकम करूँगा, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं गुलशन इकबाल की जो मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, जो आपके डोमेन में आ रही है, और एक्चुअली मेरी जो नॉलेज है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में बात आई कि आप उस पर काम करने के लिए रेडी हैं, बस शायद हम पहले पहुँच चुके हैं वक्त से पहले, या फिर वही वाली बात है कि 3 महीने में आप थोड़ा सा मेरे लेट हो गए या पहले हम आ गए। आप ये बताएं कि जितने भी पेडेस्टल ब्रिज है वो आपके अंडर में आते हैं या नहीं आते? लेकिन ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है, मेन रोड्स जितने भी हैं कराची के, वो डोमेन हमारा नहीं है, वो KMC उसको चेक करता है। और जितने भी परमिशन हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की, बोट्स की हो गई, आपकी स्टीमर्स की हो गई, वो KMC इशू करता है, हम लोग नहीं करते। आप लोग नहीं करते, लेकिन जो भी खस्ता हालत है उस पर हम KMC से ही सवाल लेंगे। इस वक्त जो उनके अतराफ़ में बोर्ड जो बिल्डिंगों के ऊपर बोर्ड लेंगे वो तो आपकी उसमें आते हैं, और जो खस्ता हालत है, मैं चाहूँगा पहले कि मैं लैपटॉप ज़रा मंगवा लूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जावेद भाई। और ये बड़ा अहम मरहला मेरे लिए भी, इसलिए क्योंकि अगर एक भी बोर्ड बिलबोर्ड गिर जाता है खुदा ना खास्ता, जान की जो ज़या है वो उसका जवाब दे कौन होगा, एक बहुत अहम सवाल बनता है प्रोग्राम में मेरे। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ पहले जैद भाई, ये देखें, जैसे कि आपके गुलशन इकबाल बुलान सजी वाला जो रोड है, इसके ऊपर जो खस्ता हालत में बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये तो आपकी जवाब उस पर आते हैं? मैं बताऊँ आपको, पहले ये था DMC ईस्ट, अब DMC ईस्ट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पांच टाउन्स में। अभी 5 टाउन्स को अभी बने हुए 2-2.5 महीने हो गए, हमारा काम उन पर चल रहा है, हमने ऑलरेडी नोटिसेस सर्व कर दिए हैं उन एडवर्टाइजर्स को जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया, या वो एडवर्टाइजर्स जिन्होंने इलीगल बोर्ड्स लगाए हुए हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जिस बोर्ड की भी प्रॉपर फिटनेस नहीं है, प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं है, खस्ता हालत में उनको फौरन रिमूव कर दिया जाए। इसलिए हमने 2-3 दफ़ा नोटिस सर्व भी कर दिए, और कंसर्न DIG ईस्ट को भी मैम ने लेटर लिखा है, और मंडे से हम लोग रिमूवल की तरफ जा रहे हैं जो बोर्ड इलीगल है और खस्ता हालत में। अपकमिंग मंडे आप कह रहे हैं इस पर? अच्छा, लेकिन आपने ही एक सवाल किया, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि सर मेरी नॉलेज ही शायद बढ़ जाएगी आपको दिखाने में, कि क्या ये जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं, ये जो भी मतलब छतों के ऊपर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसके ऊपर जो ये खस्ता हालत में है, तो इनको रिमूव किया जाएगा या आप दोबारा इसको कोई बनाने का दोबारा अप्रूवल देंगे कि इसको दोबारा ठीक किया जाए? अब देखिए, ये जो बिलबोर्ड लगे हुए हैं ये खस्ता हालत में बिलबोर्ड्स हैं, काफी इस तरह के बांधे हुए इन लोगों ने, तो इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो? मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी बोर्ड लगे हुए डिस्ट्रिक्ट की इसमें टाउन्स बनने के बाद किसी भी नए बोर्ड की कोई परमिशन नहीं दी गई, ये मिशन से सब पुरानी है। इसके लिए हमने सबको नोटिस सर्व कर दिए हैं कि अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, अगर आपका कोई बोर्ड खस्ता हालत में, उसको फौरन रिमूव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जारी किया गया था रिमूव का टोटली, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी पार्टी को अगर कोई बोर्ड लगाना है तो उसमें कंसर्न जो हमारा TMC का इंजीनियर है, या पहले DMC थी उसका इंजीनियर, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर का जरूरी है, क्योंकि किसी भी टाइम बारिशों में हवाओं में बोर्ड गिर सकते हैं, जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा वो बोर्ड नहीं लग सकता। मैं अपनी नॉलेज के लिए भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप जिस मनसब पर हैं ये आप इसका सबसे अच्छा जवाब भी आप ही दे सकते हैं। मेरी नज़र में जो नोटिस मेरी नज़र से जो गुजरा है उसमें कहा था कि टोटली रिमूव करने को गया था, क्या ये बात सही है, या फिर कहा गया कि फिटनेस देख के उनको इजाज़त दी जाए, या ये बात सही है? नहीं, पहले देखें ना, आज से 2-3 साल पहले जब DMC थी तो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी जब कि जितने भी बोर्ड्स हैं कराची में वो रिमूव किए जाएँ, उसके बाद एक SOP बनाई जाए, और उस SOP के तहत वो बोर्ड लगाए जाएँ, जिसमें उसी SOP में ये भी है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ताकि वो बोर्ड की स्टेबिलिटी चेक हो, फिर वो बोर्ड लग गए। चलिए, तो DMC के टाइम में था। अब जो सिस्टम बांटा गया ईस्ट के अंदर, एक ही मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये किस तरह हुआ है और इसमें क्या आसानियाँ हुई हैं या मुश्किलात हुई हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इन्होंने पहले एक था, 2 टाउन्स थे, जमशेद और गुलशन, अब बन गए 4 टाउन, चनेसर टाउन, जिनार टाउन,
गुलशन टाउन और दूसरा जो है सोराबगोट टाउन, ठीक है ना जी, पांच टाउन बन गए। तो जाहिर बात है जितने भी हमारे अराउंड अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 250 बोर्ड्स थे, अब जो जिस एरिया में जिसके बोर्ड है वो उनको मेंटेन करेगा, उनको चेक करेगा। बोर्डों की हालत बहुत खस्ता है, आप यकीन करें जाहिर भाई, मैं खुद देखता हुआ आ रहा हूँ। और बाकायदा मैं काम पहले करने के बाद मैंने आपको ऑफ कैमरा भी काफ़ी चीज़ें दिखाई, मैंने ऑन कैमरा आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा भी मैं आपको, और स्क्रीन के ऊपर लोग भी देख रहे हैं जो सेकंड स्क्रीन हमारी चल रही है, आपने इनिशिएट लिया है रिमूव करने का, और आपने कहा है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, अगर कोई फिटनेस के बगैर है तो मैं उसको रिमूव करूंगा। अब ये बताएं कि इसका जो अमल शुरू करने आप जा रहे हैं मंडे से, आपने काम शुरू करने का, तो टेस्ट जो टीम करेगी वो टीम कौन है, आप कौन सी टीम है जो इसको फिटनेस टेस्ट करेगी कि ओके है या नहीं, ये कब से शुरू करने जा रहे हैं? ये हमारा कंसर्न जो इंजीनियर है इसका, बिल्डिंग एंड रोड्स का, वो खुद जाएगा उनके साथ, उनका सब इंजीनियर साथ होगा, वो चेक करेंगे, अगर उसकी स्टेबिलिटी सही है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर अगर इसने किसी ने टैक्स पे नहीं किया तो फिर उसको रिमूव करेंगे। जावेद भाई, आपका जो एरिया है वो अगर मैं कहूँ हसन स्क्वायर से लेके गुलशन इकबाल जहाँ पर इम्तियाज़ का एंड हो रहा है और प्रैक्टिकल सेंटर वाला रोड है, ये इलाका सारा यूनिवर्सिटी आपके पास रोड आता है, और यूनिवर्सिटी में भी दो रोड्स हैं, मैं आपको बता दूँ कि अक्सर होता है कि एमसी जो भी प्रोग्राम्स मेरे देख रहे हैं, दो रोड से जो बुलान सज्जी से जाने वाला रोड है ये इनके पास आता है, जबकि सामने वाला जो रोड है वो सफूरा के अंदर आता है। ऐसा ही है उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी का जो रोड है वो सफूरा गोट में आता है। जावेद भाई, टाइम आपने मुझे दिया इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दो चीज़ें मेरे लिए भी अब और जानना जरूरी है। आपने कहा मैं मंडे से शुरू करने जा रहा हूँ, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि जवाब तो जाएगी, टीम आपके साथ दिखाएगी ताकि जो कराची के बाकी डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं ताकि वो भी एमसी समझ सके कि जब एक चीज़ गिर जाती है, उसका कोई प्यारा किसी का चला जाता है तो सिर्फ मलाल के अलावा कुछ नहीं रह जाता हमारे पास। तो सर इस पर भी थोड़ा सा अपने ही लोगों से ज़रा कुछ कह देना कि आपने तो काम शुरू कर दिया है, बाकी भी शुरू कर दें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जैसे मैंने स्टार्ट लिया है दूसरी टीएमसी के एमसी भी इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे और काम शुरू करेंगे। जितने भी बोर्ड खस्ता हालत में, देखें ना सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो इलीगल जितने बोर्ड्स हैं जिन्होंने टैक्स नहीं पे नहीं किया हुआ या वो बोर्ड जो गिर सकते हैं उनको फौरन रिमूव किया जाए, और इंशाल्लाह हमारे जितने भी कुलीग्स हैं उसको फॉलो करेंगे और अमल करेंगे। मैंने ये भी देखा है कि बोर्डों के ऊपर टूल फ्री नंबर तो वो लगा रहे हैं कि आए और शुरू हो जाए, जबकि बोर्ड इतनी खस्ता हालत में कि वो शायद कोई अगर बड़ा हवा में कहता हूँ तूफान टाइप आए तो वो डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंगों से चीज़ गिर सकती है और नीचे नुकसान होती है, और अगर ऐसा हुआ तो जज भी किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखें अगर ऐसा कोई अल्लाह ना करे मिसहैप होता है तो जो एडवर्टाइजर होगा जिस या जो अफसर होगा जिसने परमिशन दी होगी उसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन होगा। चाहे वो पुराना जो लोग थे उनके खिलाफ भी हो सकती है जिन्होंने पहले किसी ना किसी ने तो लगवाए थे ना जावेद भाई, क्योंकि खस्ता हालत अचानक से नहीं होती। सब जानते हैं कि कराची शहर में लोहे की कोई भी चीज़ होगी उनको उस चीज़ को जंग लग जाता है, क्योंकि हवा जो है हमारी समंदरी हवा है। तो क्या सालों से मैं जिन बोर्डों को 10-10 सालों से देख रहा हूँ वो बोर्ड आज भी वहीं तैनात हैं, वहीं खड़े हैं? तो सर आप तो आ गए, देखिए ना मेरी बात सुने, ऐसा पिछली बारिशों में साउथ में एक बोर्ड गिरा था आपको पता है, और उसके ऊपर कंसर्न डायरेक्टर जो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ था, वो सस्पेंड भी हुआ था और उस चीज़ पर अमल भी हुआ था। तो इंशाल्लाह अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला होता है तो हम एक्शन लेंगे, आप लोग एक्शन लेंगे। जैसे भाई आपकी टीम कौन कौन लोग काम कर रहे हैं थोड़ा सा हमें ये भी बता दें ताकि अब जब कभी रोड पे हमारा एक आमना सामना होता है तो हम समझ सकेंगे आपकी प्रॉपर टीम में कितने डायरेक्टर्स हैं और डिप्टी डायरेक्टर्स क्या हैं। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट है शहरयार खरल साहब, उनके अंडर में डिप्टी डायरेक्टर आते हैं मोइन साहब, और नीचे पूरा स्टाफ है, प्रॉपर इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, रिमूवल टीम है प्रॉपर, तो वो पूरा राम के नाम शरिया की बात करूंगा। मेरी कांटेक्ट उनसे हुआ था, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड हमें दिया, पर वो कैमरे के आगे नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये जरूर मुझे यकीन दहानी दिलाई कि अधीर हम इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त का इंतजार करें। लेकिन फिर मेरी आपसे जब मुलाकात क्या हुआ तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट जावेद साहब से जाके पूछूं कि जावेद साहब हमें कुछ लेटर भी प्रोवाइड करेंगे जो आपने जारी किए हैं, मैं वो भी चाहूंगा, मैं सेकंड विंडो पे वो चलाऊंगी, क्योंकि देखिए जो अच्छा काम है मैं हमेशा टारगेटेड ऑपरेशन करता जरूर हूं, लेकिन जो अच्छाई है मैं वो दिखाने की भी कोशिश करता हूं। आप मुझे बिल्कुल ये देखें, आप ये हमने लेटर इशू किए हुए हैं, ये देखें 24/11 को DIG ईस्ट को हमने लेटर इशू कर दिया जो इतने 11 इलीगल बोर्ड्स हम रिमूव करने जा रहे हैं ताकि हमें जो है ना प्रोवाइड करें अपनी पुलिस सिक्योरिटी, क्योंकि रिमूव के टाइम पे काफी इश्यूज भी आते तो पुलिस आपको चाहिए होगी हर हाल में। तो क्या जवाब आया इनका फौरी तौर पर? नहीं उन्होंने वो दे आर रेडी, वो देंगे हमें प्रोवाइड करेंगे मंडे से, अपना स्टाफ मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं जैसा वक्त देने के लिए, और मंडे को जवाब तो चाहिए टीम आपके साथ होगी, बस आपने लोकेट हमें देना, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम दे देते हैं, और जो विंडोज पे देखना चाहें बिल्कुल देखें। मेरा तमाम एमसी से दरखास्त है कि अब आसानियां होती हैं,
कैसे कि जब डिस्ट्रिक्ट को पांच जगह डिवाइड कर दिया जाएगा तो आसानी एमसीज के लिए भी होगी कि उनको लिमिट्स भी पता है, जगहें भी पता है और इजीली आप काम कर सकते हैं। लेकिन खुदा रहा जान किसी की अगर गई उसके बाद मलहाल रखा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एक इंसानियत पे बात आना पूरी इंसानियत की बात होती है। जैसे कि आपने सुना कि क्या कहना था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एमसी का कि बिल बोर्ड्स हटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और काम जारी है। मेरा सवाल यह है कि प्रोग्राम आपने देखा कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एमसी और उनके डायरेक्टर्स का क्या कहना था और यहाँ पे आज ईस्ट के डायरेक्टर का क्या कहना था। मेरा सवाल ये कि क्या रोडों पे बिल बोर्ड्स नहीं है जो हम दिखा रहे हैं, क्या गलत दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि इन्होंने जो कहा कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, या सेंट्रल के जो एमसी उन्होंने भी कहा कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये क्या हम इंतजार करते हैं जब अहकाम जारी हो चुके हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है, या फिर उन जो खस्ता हालात में बोर्ड से उनको हटाना है तो किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें कि इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।